आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स का पेपर 2016 का। देखिए, इससे पहले हमने दो पेपर ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। एक तो पेपर था 2021 का आरओ एआरओ का प्रीलिम्स वाला पेपर, और दूसरा पेपर था आरओ एआरओ का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है मेंस का, जिसमें 120 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। प्रीलिम्स में आपने देखा होगा तो 140 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो पुनः परीक्षा हुई थी, यानी कि एक बार पेपर कैंसिल कर दिया गया तो दोबारा परीक्षा हुई थी। तो ये पेपर कब हुआ था? ये पेपर हुआ था आपका 2020 में ही। तो लेकिन ये भर्ती कब की थी? ये भर्ती थी 2016 की। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला ही क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? ये मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, पहले जानते हैं हम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। किसका? खिलजी वंश का शासक था। और ये ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था जिसने अपने आप को ये उपाधि दी थी, मुबारक खिलजी की उपाधि दी थी। इसका कार्यकाल देख लेते हैं कब से कब तक था, तो ये तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें अनेक कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो कि ये बार बार ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चन पूछता है। तो पहला युद्ध है आपका कन्नौज का युद्ध, दूसरा चंदेरी का, तीसरा तालिकोटा का, चौथा चौंसा का युद्ध है। तो देखिए, आपको पता हो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था ये, 1528। तालिकोटा का युद्ध पता होगा आपको, तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। उसके बाद में चौसा का युद्ध बचा और कन्नौज का युद्ध बचा। तो कन्नौज का हुआ था 1539 में, और ये हुआ था आपका चौसा का युद्ध हुआ था 1540 में। अब आप सीक्वेंस में लगा सकते हो कि सबसे लास्ट में तीसरा आएगा इसमें, तो सबसे लास्ट में तीसरा इसमें, इसमें और इसमें है, तो चारों में तीसरा है। तो सबसे पहले कौन सा आया? दूसरा आएगा सबसे पहले, तो दूसरा एक में ही, तो हमारा बी आंसर इसमें आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528, चौसा का युद्ध हुआ 1539, और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540, और तालिकोटा का युद्ध हुआ 1565। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो राजपूत सेना का सेनापति जो था हकीम सूर था। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था। एक चीज़ और कि इसमें राजपूतों के साथ में किस एक जो ट्राइब ने साथ दिया था, तो राणा की सेना में भीलों की एक छोटी टुकड़ी थी। कौन? भील ट्राइब थी, उसकी एक छोटी टुकड़ी थी। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था रज्मनामा के नाम से। तो ये किसके टाइम पे किया गया था? तो ये अकबर के टाइम पे किया गया था ये। तो किसने? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी, नकीब खां तथा फैजी के सम्मिलित प्रयासों से। तो इनमें कोई भी अगर आपको नाम आए तो उसके आगे आपको टिक कर देना है, बदायूनी, फैजी और नकीब खां। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण कि कौन से कथन सही है, बताने आपको। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, तो ये पहली बात ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो दोनों बातें इसमें ठीक हैं, दोनों बातें ये ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कुछ विद्रोह हुए हैं और उसके आगे डेट है, तो ये बतानी है। तो देखिए, कौन सा आपको पता है? पावना विद्रोह कब हुआ था? पावना विद्रोह हुआ था 73 में। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 में। अगर आप सी का पहला कर देते हैं तो सी का पहला दो में एक कटा आपका और सी कटा। उसके बाद में आपने देखा पावना विद्रोह बी का चौथा, तो बी का चौथा एक में ही है आपका, इसका आंसर आ गया बी। क्लियर है? तो पहले का दूसरा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1879 में। और जयंतिया विद्रोह कब हुआ? जयंतिया विद्रोह हुआ आपका 1860 और 63 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। अब इनके देखिए, दो अखबार इनके बहुत फेमस थे तिलक साहब के। तो एक तो केसरी था जो मराठी में था, और दूसरा मराठा था जो अंग्रेजी में था। तो ये समाचार पत्र थे इनके, बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक और चीज़ आते, इन्होंने गीता पर टीका गीता रहस्य को लिखा था। क्या? गीता रहस्य को इन्होंने ही लिखा था। अब इन्होंने देखिए, इन्होंने दो उत्सव, गणपति उत्सव एवं शिवजी उत्सव का मनाना प्रारंभ किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट को देखिए, ये आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं और उनके आगे
व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन, तो ये किसने बनाई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी में। तो देखिए पहले का दूसरा है तो सी कटा आपका और डी कट गया। उसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा देखते हैं किसने बनाई, तो ये बनाई थी रनाडे जी ने, किसने, रनाडे जी ने। तो बी का आ गया तीसरा, तो बी का तीसरा यानी कि ए आंसर है आपका। सी का देख लेते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपको पता है कि फिरोज शाह मेहता इससे रिलेटेड थे। चौथा है मद्रास महाजन सभा, तो ये कौन है, ये आनंद चारलू है, क्लियर है। तो आपको चारों पता होने चाहिए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देख बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला यंग बंगाल आंदोलन, ये हेनरी ये बेबियन डेरोजियो इससे संबंधित थे, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा बहिष्कृत हितकरणी सभा, तो ये अंबेडकर साहब की ना कि फूले जी की, तो किसकी, ये अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा थियोसफिकल सोसाइटी, तो कर्नल ऑलकॉट ने बनाई थी। चौथा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, तो ये सर सैयद अहमद खान इससे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, अब तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो ये कौन थे, विलियम विल्सन हंटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हंटर आयोग कब बना था, तो ये बना था 1882-83 में। किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था ये हंटर कमीशन। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज IN से जुड़े हुए नहीं थे, तो ये बताना है आपको कौन इनसे जुड़े हुए नहीं थे। तो रशीद अली जुड़े हुए थे इनसे, शाहनवाज जुड़े हुए थे और पीके सहगल जुड़े हुए थे, तो BS दत्त इससे जुड़े हुए नहीं थे, क्लियर है। तो देखिए अब INA के बारे में बात कर लेते हैं, INA का गठन कब किया गया था, तो INA का गठन किया गया था 1942 में, किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। कभी कभी पूछ लेता कि ये किसके दिमाग की उपज थी, तो ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। तो ये क्या हुआ था इसमें कि जापान के जो सैनिक थे उनको ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों में शामिल कर लिया गया था, तो इसके बाद इन्होंने ये बनाया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1943 में राज बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। अब क्या हुआ कि 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया, कब, 1943 में ही। अब आज़ाद हिंद फौज से रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, गुरुबख्श सिंह आदि जुड़े हुए थे, जबकि BC दत्ता का संबंध किससे था, रॉयल नेवी विद्रोह से था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो कौन सा असत्य है, तो देखिए ये इसका आंदोलन गांधी जी ने किया था, बैठ ठीक है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया, ये बात भी ठीक है, तो ये अहिंसक आंदोलन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्था में लगाना है, कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, फिर कौन, ये आपको बताना। तो सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उसके बाद में क्रिस्प प्रस्ताव आया 1942 में, ये बेबल ये आया, उसके बाद CR फार्मूला आया था 1944 में, और ये 45 में आया आपके बेबल योजना। तो बेबल योजना जो तीन है सबसे लास्ट में वही आएगा, तो तीन किस्में, देखिए ये गया आपका, ये गया, तो तीसरा ये बचा। पहले कौन सा आया था, सबसे पहले आया था आपका ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उसके बाद 42 में आया था आपका क्रिस्प प्रस्ताव, तो दूसरा पहला, फिर ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, कितने खतरनाक व्यक्ति थे, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है, तो किस व्यक्ति ने कही थी बात, ये स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ये बात कही गई थी। तो अब ये बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षाविद थे, अब इन्होंने देखिए क्या किया था, इन्हें विद्यासागर की उपाधि बाद में प्रदान की गई थी, इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था इनके प्रयासों से ही, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। चलिए नेक्स्ट है, ये कूटों का चयन करना है निम्नलिखित में से, तो देखिए क्लाइव का पुनः भारत अभियान, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, तो ये बक्सर का युद्ध, वॉरन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो इनका सीक्वेंस लगाना है आपको, कौन सा सबसे पहले आया था वो कौन सा बाद में आया। तो आप सब जानते हैं बक्सर का युद्ध होता 1764 में, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और ये पुनः कब आया था, ये भी 1765 में आया था लेकिन अगस्त में, और गवर्नर ये कब बना था भारत का गवर्नर, ये बना था आपका 1773 में, तो सबसे लास्ट में ये आएगा 1773, सबसे पहले आएगा आपका बक्सर का युद्ध, तो तीसरा पहला आया, उसके बाद में चौथा सबसे लास्ट में। तो अब ये दो ऑप्शन तो कट गए आपका, ये कटा और ये कटा, उसके बाद देखते हैं अब दो में आप फंस जाते हैं, तो ए या बी में से इसमें आप मारेंगे,
देखिए किलाई पहले आ गया था और उसके बाद में इलाहाबाद की संधि बाद में हुई थी, तो उसमें पहला आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर चौथा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम आ गया कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की संधि आप जानते हैं कि इलाहाबाद संधि अभी हमने देखी 1765 में हुई थी, और उसके बाद पूछ रहा एक्सला सेपला की संधि कब हुई थी, तो एक्सला सेपला की संधि हुई थी 1748 में। उसके बाद देखते हैं हम कि ला बोर्डनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था, तो ये किया गया था 1746 में। और डुप्ले की ये पदयुक्ति कब की गई थी, तो डुप्ले की पदयुक्ति 1954 में। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करके लगाना है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेटों को याद करने की ज़रूरत है, कौन सा हिस्ट्री में स्पेशली आपको डेटों को रटने की ज़रूरत है, कौन सी घटना कब घटी थी, तब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हुआ आपका ये पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये कब होता 1929 में। उसके बाद में ये आंदोलन चलाया गया 1930 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, और पूना पैक्ट हुआ फिर 1932 में। अब ये देखो दो सबसे लास्ट में कौन से में है, ये गया आपका, ये गया। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है आपका ये तीसरा, तो ये आपका आंसर आ गया पहला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब कौन सा एक सही सुमेलित है बताना है आपको। तो इटावा प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, ये है अल्बर्ट मायर द्वारा ये किया गया था, मार्गदर्शन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नोट करेक्ट में फ्री आ गया लेकिन आपको फंसाने के लिए। तो देखिए तो जो आपका भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम कब आया था, 1908 में आया था ये। बाकी समाचार पत्र अधिनियम ये भी 1908 में आया था, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये भी 1908 में आया था, तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम तो ये इसके एक साल पहले आया था, यानी कि 1907 में ही आया था। तो ये आंसर है आपका पहला वाला। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। देखिए हिस्ट्री थोड़ी सी पूछ रही है, आपको डेटों को फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो कौन सा है, गुजरात है। तो कितनी तटरेखा लंबी है इसकी, तो 1214 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। आपसे पहला ना पूछ के दूसरा पूछ सकता था, तो दूसरा कौन है, दूसरा है आंध्र प्रदेश। तीसरा भी पूछ सकता आपसे, तीसरा पे कौन है, तीसरे पे तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, गोंडवाना समूह। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर है, तो खनिज है आपका धारवाड़ समूह में। अगर चूना पत्थर वगैरह पत्थर पूछे तो यह है विंध्याचल में। चलिए नेक्स्ट है, अगर पूछे आपसे कि इनका क्रम क्या है, तो इनका क्रम है देखिए आधा आधा कूड़ा बिन गया। तो आधा से आर्कियन, धा से धारवाड़, फिर कूड़ा से कुड़प्पा, और बिन से विंध्याचल, और गए से गोंडवाना। अगर इनका एज के हिसाब से पूछे, सबसे पुरानी ये है, उसके बाद ये सबसे नई है गोंडवाना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आपको पता ही कि अंडमान निकोबार की जनजाति है। और भी चार पांच जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, कौन कौन सी, देखिए ओंगे हो गई आपकी, सोमपेन हो गई, सेंट्रली हो गई, तो ये यहाँ पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता होगा कि ये भारत के ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कौन कौन से राज्य हैं, इधर से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है आपका गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद है फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, देखिए एक हो गया, 2, 3, 4, 5, उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, तो 8 हैं। तो देखिए त्रिपुरा भी हो गया, ये छत्तीसगढ़ भी हो गया, मिजोरम भी हो गया, मणिपुर से नहीं गुजरती है क्योंकि मणिपुर उत्तर में पड़ जाता है। अब ये देखिए ये गुजरती है 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, थोड़ा सही से बन जाए यार, इंद्रावती नदी पर है। और ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसको एक चीज़ और, इसको नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है, तो आपको पता ही है कि ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। तो किन नदियों के बीच में है, तो सतलज और काली नदियों के बीच में है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको साफ कर देते हैं, कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है, तो माही नदी है। अगर आपसे पूछना कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार करती है, तो है लिम्पोपो नदी, वो कहाँ पर है, वो अफ्रीका में है, क्लियर है। और कौन सी नदी है जो कर ये इक्वेटर को दो बार काटती है, तो कांगो नदी है, वो भी अफ्रीका में है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो ये माही नदी किसकी, ये माही नदी भारत की प्रमुख नदी है। माही का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, और ये विंध्याचल श्रेणी से होते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात को होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मानसून की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है कि पवने कैसे आती हैं। तो पवने देखिए, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में देखिए, तो पवने इस साइड से आती हैं। तो अगर ऐसे हम भारत की लोकेशन देखें, तो ये हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो अब ये देखिए, ये क्या है, ये लोकेशन क्या है, ये है उत्तर पश्चिमी। तो उत्तर पश्चिमी इसको बोलेंगे, तो उत्तर पश्चिमी से न सॉरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, तो कहाँ पर दक्षिण पश्चिम पवन है, ये यहाँ दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ पर उत्तर पूरब की ओर ऐसे जाती हैं ये, क्लियर है। तो इसका पहला आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध किससे। ज्योग्राफी बहुत आसान पूछी गई है इसमें, हिस्ट्री में आपको डेटा याद करने पड़ेंगे, तो मछली उत्पादन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, और बता देते हैं आपको कि दूध क्रांति श्वेत मतलब कहते हैं इसको, तिलहन पीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। चलिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ में किसनगंगा और उरी परियोजना कौन सी पर, ये भी झेलम नदी पर है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर है, 100% सही है, पहला भी 100% सही है, रिहंद किसकी, सोन नदी की सहायक नदी है। तीसरा तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, तीसरी बात भी ठीक है। चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर है, कौन सा, मैथान बांध, तो चारों बातें इसमें ठीक है, तो भाई साहब कुछ भी गलत नहीं है इसमें, तो इसका आंसर आ गया आपका ये डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया, तो कहाँ पर लगाया गया, ये पानीपत में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है, तो ये जामनगर गुजरात में है, कहाँ पर, जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा ये लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देखिए खनन क्षेत्र को खनिज से मिलान करना है आपको, आपको देखना कि सबसे इजी कौन सा है, तो जादूगोड़ा है, जैसे कि जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है, तो तीसरे का आपका हो गया दूसरा, तीसरे का दूसरा एक में ही है, फिर भी मैच कर लेते हैं चलो। गुरुसियानी किसके लिए फेमस है, ये आपके लोहे के लिए फेमस है। जावर तो आपको पता ही है, जावर किसके लिए फेमस है, जावर फेमस है आपका जस्ते के लिए, और तलचेर आपका फेमस है कोयले के लिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब वर्ल्ड का ज्योग्राफी देख लेते हैं, इसमें वायुमंडल की सब लंबत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो सबसे निचली सतह होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल भी कहते हैं इसको हिंदी में। पांच परतें होती हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में फिर मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नोट करें एक्चुअली मैच आपको बताना है, तो देश और लौह उत्पादन क्षेत्र हैं, तो देखिए करंगड़ा कहाँ पर है, करंगड़ा ये कजाकिस्तान में, और आपसे ये पूछा क्रिबाग कहाँ पर है, तो क्रिबाग है यूक्रेन में, तो और फ्रांस का पेरिनीस, तो ये जर्मनी में नहीं है। नॉर्मंडी कहाँ पर है, नॉर्मंडी आपका फ्रांस में, तो नॉर्मंडी भी फ्रांस में है और पेरिनीस भी फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है, अब इसमें सही बताना है करेक्ट मैच्ड, तो लोरेन क्षेत्र कहाँ पर है, तो लोरेन क्षेत्र आप, तो यह है फ्रांस में, लोरेन कहाँ पे, यह है फ्रांस। और दूसरे की बात करें तो रूर क्षेत्र कहाँ पे है, तो रूर जर्मनी में है, तो दूसरा करेक्ट सही है। वहीं पे बात करें अगर ब्रिस्टल क्षेत्र की, तो ये फ्रांस में नहीं है, यूके में है, ब्रिस्टल कहाँ पे, यूके में। और बात करें आपसे ये सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है, तो सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी में, ये कहाँ पर, जर्मनी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो ये बोत्सवाना देश है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो ये कहाँ पर, दक्षिणी भाग के मध्य भाग में है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर, कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, तो ये पश्चिम बंगाल है इसमें, जहाँ पर नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, लेकिन वैसे अगर पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, बट इसमें आंसर आपका नहीं है, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देशों को राजधानी से मिलाना आपको कि कौन से देश की क्या राजधानी है। तो यांगून आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश की राजधानी है म्यांमार की। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया की राजधानी है नाम पेन्हा। और वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। और लाओस की राजधानी है बियन तियन। तो इसका आंसर आ गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है और बताना है आपको। देखिए तो पहले में है नदी और दूसरे में है शहर, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो पहला देखते हैं हम, तो सत अल अरब जो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है आपका बसरा नदी के किनारे। देखिए नाम भी ऐसा ही है। और दूसरा है आपका, दूसरा परागबे, तो परागबे ऑनशियन नदी के किनारे है। तीसरे की बात करें नाइजर, तो नाइजर नियोमी के। और चौथे की डेन्यूब बियाना के किनारे है। डेन्यूब जो है बियाना, सॉरी बियाना जो है डेन्यूब के किनारे है। क्लियर है, तो इसका आंसर आ गया आपका डी। देखिए सत अल अरब, बसरा, परागबे एशियन और नाइजर नियामी डेन्यूब बियाना। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जनजाति शून्य कहाँ पर है। तो नागालैंड में अनुसूचित जाति शून्य है, यानी कि ऐसी जनसंख्या यहाँ पे शून्य है। जबकि भारत में कितनी है, भारत में 16.6। सबसे ज़्यादा ऐसी कहाँ पर है, नंबर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम कहाँ पर है मिजोरम में। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो क्रम से पंजाब में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मिजोरम में सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट है, जनगणना वर्षों में से किस भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में माना जाता, तो 1921 को महान विभाजक के रूप में माना जाता है। तो इस टाइम पर बहुत ही कम वृद्धि दर रही थी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया। तो समाप्त करने की बात आएगी तो 1935 के तहत ये समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, नोट करेक्टली मैच। तो पहला देखिए, नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है, वो भाग दूसरे में है। और ये संघ राज्य क्षेत्र, ये भाग सात में नहीं है, भाग आठ में है। इसमें एक और लगा दो तो भाग आठ में संघ राज्य क्षेत्र आ जाएंगे। नगर पालिका 9 के में है, निर्वाचन क्षेत्र आपको पता है कि 15 में है। चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। तो देखिए अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में है। तो दूसरा है इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो आर्टिकल 23 में नहीं है, 22 में है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए कथनों में से कारण देखने इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, तो ये पहली बात ठीक है। दूसरा, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को अवश्य निर्देश दे सकती है, तो दूसरा भी ठीक है, यानी कि दोनों बातें ठीक हैं और उसका एक्सप्लेनेशन सही करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है। तो पहला इसमें कि 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, ये बात ठीक है। तो ये इसके पहले न्यायाधीश, ये बता रहा है कि लेमिस्टर पहले न्यायाधीश थे, लेमिस्टर नहीं थे, इम्फे थे इसके, इम्फे पहले न्यायाधीश थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें पहला आंसर इसका आ जाता है। क्लियर है, चलिए ये किसके टाइम पर की गई थी, ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1974 में बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था उस टाइम पर। चलिए नेक्स्ट है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कहाँ पर, तो ये उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय में की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, आइए क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है अंतरराज्य परिषद 1990 में बना था, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी 1954 में नहीं 1952 में बना था, ये कब बना था, 1952 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची बन को सूची टू से मिलाना है। अब देखिए आठवीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषाओं का जिक्र किया गया आठवीं अनुसूची में, तो बी का पहला जहाँ भी आएगा उसका आंसर होगा, तो दो तो आपके कट गए। दूसरा, दसवीं अनुसूची में आपको पता है दल बदल संबंधी चीज़ें दी गई हैं, तो डी का आ गया दूसरा। अब डी का दूसरा देखिए, तो इसका आंसर आ गया आपका डी, बी का पहला हो गया। और उसके बाद में ये एक तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये सातवीं अनुसूची में क्या है कि आपके जितने भी विषय हैं वो दिए गए हैं संघ और राज्य और समावर्ती के। बाकी नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का मान्यकरण किया गया है।
चलिए नेक्स्ट है, कौन भारत संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पंचायतों का भाग 9 में दिया गया है, नगर पालिकाएँ 9 के 1A में दी गई हैं, सहकारी समिति दी गई है आपका 9th के B में, वहीं ट्रिब्यूनल की बात करें आप तो ट्रिब्यूनल ये इसमें नहीं दिए, 14 के A में ही ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया है, तो भाग यही गलत है, क्लियर है? तो भाग 14 के क्या में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है कि हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, ये बात ठीक है। 2007 में हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम यूरोपियन निवेश कोष में जारी किया था, ये बात भी ठीक है। तीसरा, हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार में नवाचार है, ये भी ठीक है। चौथा है, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिनिवेश है, तो यही गलत है, क्लियर है? चलिए, ये क्या है कि ये दीर्घकालिक है, अल्पकालिक नहीं है, ये यहाँ पर जो अल्पकालिक दिया ना तो ये शॉर्ट टाइम का, ये शॉर्ट टाइम नहीं लॉन्ग टाइम का है। चलिए नेक्स्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, दूसरा है 5 लाख रुपए तक की जमा बीमित है, तो दोनों बातें इसकी ठीक थी। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ बैंक हैं और कुछ प्रकार हैं, किस किस टाइप के बैंक हैं आपको ये बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो देख लो पहले में कॉमन कौन सा है, कॉमन यहाँ पर है तो ए कट जाएगा आपका, बी कट जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें से आपको कोई भी आंसर टिक कर लेना है। तो पहले का क्या है, इंडियन बैंक, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, क्लियर है। ICICI का आपको पता है कि निजी बैंक है, तो बी का तीसरा आ गया। अब बी का तीसरा देखिए उसमें भी है, अब ये बी का तीसरा इसमें ही है, बाकी इसमें बी का तीसरा नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाती है। तो किसको किसको लाती प्रयोग, तो पहली चीज़ क्या है, बैंक दर में वृद्धि कर देती है मुद्रास्फीति को कंट्रोल में करने के लिए। दूसरा, CRR में वृद्धि कर देती है। तीसरा, ये तरलता में SLR में वृद्धि कर देती है। चौथा, सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय क्रय नहीं करती, विक्रय करती है, क्लियर है, विक्रय करती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जिसमें वो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शेयर बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ये बताने कथन और कारण इसके। तो पहला है कि जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। तो ये बात पहली स्टेटमेंट ठीक है। तो दूसरा, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है, निर्यात नहीं जब आयात करता है तो होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी कि ये SMP लिख दिया, MSP हो गई, एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका। चलिए नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो देखिए, जब ऑक्सीजन और नमी एक साथ मिल जाती है तो लोह के धातु की क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाता है वो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ये लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। एक दो चीज़ें और जान लो इसके बारे में कि इसका रंग का प्रकीर्णन या विचलन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिसके रंग का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका रंग का आवर्तन सबसे अधिक, और जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का आवर्तन सबसे कम होता है। अब लाल रंग का क्या है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जिसकी वजह से विचलन कम होता है, तो उल्टा संबंध होता है इसमें। और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम कार की बैटरियों में। चलिए नेक्स्ट है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं, क्या भर के? उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन, भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ये आसवन विधि ठोस के लिए उपयोगी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
वनस्पति विज्ञान के बारे में देख लेते हैं कि हींग प्राप्त होती है। हींग आपको पता कहाँ से? जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है। हींग जड़ों के निष्कर्षण से, रूट से प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए विटामिन को आपको मिलाना है इससे। पहले मैं आपको बता दूँ विटामिन से रिलेटेड रोग जो होते हैं इसकी एक ट्रिक है, रबेस सूनर। रबेस सूनर, तो देखिए रेस है रतौंधी होती है, रतौंधी। बेस है बेरी बेरी, और इसी इससे स्कर्बी, और सैसे सूखा, और नैसे नपुंसकता, और रेस है रतौंधी। क्लियर है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ये विटामिन बी की, ये सी की, ये डी की, ये ई की, और ये के की। क्लियर है? अब देख लेते हैं। देखिए जो विटामिन के है वो अल्फा अल्फा में बहुत मात्रा में मिलता है। दूसरा विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी यकृत तेल में या फिर कॉड तेल में मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो गेहूं में भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी नींबू खट्टे से भी आप पकड़ सकते थे, तो इसका आंसर आ गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो कायम पाया जाता है, तो उभयचरों में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नोट करेक्टली मैच है। तो एक तरफ तो फसल है, दूसरी तरफ खरपतवार है। तो गेहूं में आपने देखा होगा कि फलेरिस माइनर ये लग जाता है। दूसरा धान में बथुआ नहीं होता, तो देखिए बथुआ जो होता ना, यहाँ आपने देखा होगा सर्दी के टाइम पे हम भी तोड़ने जाते थे तो बथुए से फिर रोटी बनती थी, तो ये बथुआ होता है सर्दियों के टाइम में जब गेहूँ बोया जाता है। क्लियर है? तो उस टाइम अभी मार्केट में मिलता भी है, बथुआ के पराठे बहुत फेमस होते हैं, कभी आप खाइएगा ज़रा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखिए क्रॉप को इसमें मौसम में मिलाना है। तो पहला सूरजमुखी, देखिए किसी भी टाइम पे बोई जा सकती है। खरबूजा आपको पता है कि खरबूजा केवल जायद के टाइम पे बोया जाता है, तो दूसरे का दूसरा एक में ही है। क्लियर है? और सीका कपास का आपको देखा खरीफ की फसल है, और अलसी रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम? तो हम करते हैं सोनार का प्रयोग। किसका? सोनार का प्रयोग करते हैं। बाकी नौ संचालन में भी हम सोनार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जेनेटिक उद्योग से सम्मिलित है क्या? कृषि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? तो कच्छ में स्थित है ये भारत का ओसनिक नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट है, अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए 2020 में एग्जाम हुआ था, लेकिन ये वैकेंसी 2016 की थी, पेपर वेपर आउट हो गया कुछ कुछ करके, ऐसे चलता है। तो ये इस टाइम पर करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा के समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए करंट का इसका कोई मतलब भी नहीं है आपको पता करने का, लेकिन करंट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए फरवरी 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें से कौन कौन किस किस की जिम्मेदारी दी गई, ये सारा क्वेश्चन ये करंट का है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो करंट में चल रहा है, तो हम घटना चक्र की मैगजीन कर रहे हैं, उसी से आए तो उस टाइम पे भी ये सारा। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट, किस सर्वोच्च फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो अभी आपको करंट में देखना कि अभी कौन से के लिए दिया गया है, इस पर दिमाग खपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये एक जगह भुवनेश्वर में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपको सूची बनकर सूची चीज़ से मिलाना है, ये करंट का, ये सॉरी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है देखने का। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी 2020 में के दौरान आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? देखिए ICC महिला T20 वर्ल्ड कप अभी कहाँ हुआ, कितनी टीमों ने भाग लिया, कौन जीता कौन हारा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, एपिसोड चल रहे हैं, हमारी ये सीरीज नहीं एपिसोड कहेंगे इसको, घटना चक्र का हम दो वीडियोज़ की आ चुकी हैं, और तीन चार वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे, 4 से 5 दिन के अंदर पूरे साल का करंट अफेयर आपका हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको, दृष्टि घटना चक्र के नाम से करंट अफेयर है वो। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए 78 क्वेश्चन है, तो कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों में व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो ये NM धर्म शक्ति को मिला था, तो अभी हमें देखना कि 2022-23 का किसको मिला है। चलिए नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा? तो सूर्य है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है क्या? सूर्य ऊर्जा। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन संबंधित आप सभी जानते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण से रिलेटेड है, कब अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971। अभी भारत में कितनी रामसर साइट हो गई? 75 हो गई। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तमिलनाडु में है। यूपी का नंबर कौन सा है? तमिलनाडु में कितनी? 14 हैं। यूपी का नंबर है दूसरा। यूपी में कितनी? 10 हैं।
क्लियर है। चलिए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड यानी कि NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, 1992 में एक स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार द्वारा NGT की स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में ही NGT की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 के वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, देहरादून में। तो देखिए, पहला तो देहरादून में, लेकिन सेकंड की आपको शायद जानकारी ना हो, सेकंड बनाया जा रहा है आपका बिहार में। कहाँ पर बनाया जा रहा है, बिहार में बनाया जा रहा है सेकंड। तो ये कब बना था पहला बना था 1906 में, देहरादून में बना था ये। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए प्रादेशिक ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्या उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2017 में गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये है आपके श्रावस्ती भाई साहब, है ये श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखते हैं, वहीं पर अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है यूपी में, तो गौतम बुद्ध नगर में है, और कुल साक्षरता यूपी कितनी है, 67.7। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई द्वारा कितना होता, तो नहर द्वारा होता 30%। क्लियर है, बाकी 70% के अब जो होता है वो नलकूपों द्वारा एवं कुओं द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए पीतल के बर्तन, आप जानते हैं कि मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है। तो पहले का हो गया आपका तीसरा, तो पहले का तीसरा देखिए एक में ही है, तो ये आप एक से ही इसको पकड़ लेते। बी का चौथा, माचिस के लिए बरेली जानी जाती है, और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो देखिए बिरहा, चेती, ढोला, ये प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश के। अब आपको पता होगा बिरहा कहाँ पे गाया जाता है, तो बिरहा है आपका ये पूर्वांचल का, चेती कहाँ का, ये भी पूर्वांचल का है, ढोला कहाँ का, ये आगरा का है, और कजरी झूम ये कहाँ के, पूर्वांचल के। जबकि बात की जाए झूला, लंगूरिया, होरी, फॉग, ये ब्रिज के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो प्रमुख लोक नृत्य हमने देखा चरकुला, कर्मा, पांडे, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब ये कहाँ कहाँ के हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में ये अच्छे खासे क्वेश्चन आरओ में पूछे जाते हैं, स्टेट स्पेसिफिक, ये प्रीलिम्स की तरह नहीं है कि दो चार क्वेश्चन पूछ लिए। तो देखिए चरकुला आपसे पूछे तो ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य है, कर्मा की बात करें तो सोनभद्र और मिर्जापुर में, इसे बुंदेलखंड में कहेंगे, रास की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में, जोगिनी अवध क्षेत्र, नटवरी पूर्वांचल, बाकी जितने भी हैं सारे ये कार्तिक, राई, पाई है ना, पाई डंडा वगैरह, ये सब बुंदेलखंड में होते हैं ये। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे की जा रही, तो ये हुई है बनारसी में। चलिए नेक्स्ट, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, तो ये लगाया गया आमला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए फसल सबसे ज़्यादा आगरा, सरसों की बात करें तो आगरा में, आलू की बात करें तो फरुखाबाद की तरफ, आलू ज़्यादा होता है फरुखाबाद, सिकोहाबाद, या फिर ये इधर अलीगढ़ आगरा की तरफ। वहीं पे बात करें तिल की, तो तिल होता है हमीरपुर में, मक्का आपका वाराणसी में नहीं होता है, तो यही आपका ये जो है गलत है। तो मक्का कहाँ पे होता है, तो ये तो कानपुर मंडल में, मक्का होता है कानपुर मंडल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो यह है उन्नाव में, कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में, और इसको बंथरा के नाम से भी कभी कभी आया था ऑप्शन में कि बंथरा उन्नाव में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो ये 1995 में ये स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 के, इनमें से कौन सा जो पेयर है सही सुमेलित नहीं करता है, तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर, बनारसी में है, तो IIBR कहाँ पर, ये बनारसी में है, तो यहाँ पर ये दिया लखनऊ में, तो ये वेजिटेबल का जो केंद्र है वो बनारसी में है, तो पहला ही स्टेट ये गलत है इसमें। दूसरा IIPR की बात करें यानी इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च, पल्स की अगर बात आए तो ये आएगा आपका कानपुर। दूसरी बात में अगर बात की जाए वेटनरी रिसर्च की, तो इज्जतनगर बरेली में, और चौथा ये है आपका झांसी में, गोटका झांसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और बताना कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें पीतल की मूर्तियाँ देखिए मथुरा में मिलती हैं और पीतल के बर्तन आपके मुरादाबाद में मिलते हैं। ताले के लिए क्या प्रसिद्ध है, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। सूर्य पूछ रहा नोट करेक्टली मैच, तो नोट करेक्टली मैच में पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में नहीं मिलती हैं।
तो ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, बैंत की छड़ियाँ वाराणसी में मिलती हैं और गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में किया जाता है। क्लियर है? तो पीतल की मूर्तियाँ ये कहाँ पर मिलती हैं? पीतल का कारखाना हमने देखा था अभी, तो अधिकतर कारखाने ये मुरादाबाद में है, तो मुरादाबाद इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सूची बनकू यानी कि मेले को जनपद के साथ मिलाना कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो पहला मेला देखिए देवीपाटन का मेला कहाँ पर होता है? देवी तो ये था बलरामपुर में। दूसरे मेले की बात करें हम, दूसरा मेला आपका कामपील का मेला। कामपील का मेला कहाँ पर होता है? ये होता है फरुखाबाद में। बटेश्वर का मेला आप सब जानते हैं, बटेश्वर का मेला आगरा में होता है। और ददरी का मेला कहाँ पर होता है? ये होता है बलिया में। तो इसका आंसर हो गया आपका तीसरा आंसर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर मिलती है? बुक्सा जनजाति कहाँ पर मिलती है? ये बिजनौर में मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तर्क शक्ति और परीक्षण के क्वेश्चन है, तो पहले में देखेंगे आप, तो जिस प्रकार 63 को 9 से लिखा गया है, तो कहने का मतलब 6+3=9 होता है। तो 6+3 बराबर कितना होता है? 9। ऐसे ही 6+8 बराबर होता है 14, यानी कि आपका आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट है, तो सही युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध होता है जैसे कि दिए गए युग्म में है। तो डायनासोर का संबंध जैसे ड्रैगन से दिखाया गया है, ऐसे ही हिम का संबंध बर्फ से है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी को अंक आगे कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो इसका हम गैप निकाल लेंगे, तो 8 और 15 के बीच का गैप कितना होता है, और फिर 15 और 28 के बीच का, 28 और 53 के बीच का, ऐसे इसका गैप आगे बता देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 102। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें खाली में आपको भरना है कि तो इसमें कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए इनको सबको अलग अलग करके हम जोड़ देंगे, जैसे 2+2+9+5 तो ये बराबर ऐसे करके आ जाएगा 18। तो उसके बाद में देखिए ऐसे इस तरीके से 1+1+3+8 तो इसका जोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा ये आपका 26। तो इसी टाइप से इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट है, ए बी का भाई है, सी का भाई डी से हुआ है, तो यदि सी भाई का भतीजा तो ए का डी से क्या संबंध है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले इसने बोला ए बी का भाई है, तो देखिए ए इधर लिखो और बी यहाँ पर लिखो, तो जो मेल है तो भाई है, ए बी का भाई है, तो ये भाई हो गया। अब सी का विवाह डी से हुआ है, ये हमें पकड़ में नहीं आया अभी, लेकिन वहीं पे कह रहा अगला सी ही बी का भतीजा है, तो सी जो है बी का भतीजा है, तो भतीजा हुआ तो एक लड़का हुआ, तो इसके नीचे को सी आ जाएगा। अब भतीजा तो यानी कि लड़का हुआ, तो लड़के को हम इस तरीके से बंद करेंगे, जबकि कोई फीमेल होती तो फीमेल को हम सर्किल में करते। अब ये देखिए, अब ए का ये सी का विवाह डी से हुआ है, अब डी से इसका विवाह हुआ, तो डी कौन हुई? जाहिर सी बात है कि फीमेल होगी। तो अब डी का ए से संबंध पूछ रहा है, तो कौन हुआ? तो डी का ए से संबंध क्या हुआ? ससुर हुआ। ये क्या हुआ? ए जो ससुर हुआ डी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, यदि कारपेट का कूट भाषा में ये TCAPR लिखा जाता है, तो नेशनल को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसको ऐसे हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा किसके स्थान पर आया है और क्या फेरबदल किया है, तो इसी तरीके से हम नेशनल को लिख लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ये कहता है कि किसी एक निश्चित कूट की भाषा में एच ई को 41 और सी को 49 तथा डैम को उस प्रकार किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हम देख लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 62। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, यदि 3 दिसंबर 2001 को रविवार था, तो 3 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 3 दिसंबर 2001 को, तो उसमें क्या था, ये कौन सा दिन था? रविवार था, तो 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कौन सा दिन होगा? तो ये दिन होगा आपका बुधवार। चलिए नेक्स्ट, बाकी हम सोल्व करके और सारी जो CSAT की क्लास है वो आपको कराएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। अभी PY की हो तो उसी हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान तो सदाबहार नहीं हो सकता सब चीज़ का, लेकिन फिर भी जो मैं काम काम हुआ ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। क्लियर है? क्योंकि आपकी मैथ की फैकल्टी और रीजनिंग की फैकल्टी दूसरी है, जो आपको सोल्व कराएंगे सारा बहुत अच्छे से पूरा कवर करा देंगे आपको, एक एक क्लास एक एक टॉपिक की। तो नेक्स्ट है, देखिए स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है, तो उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे होगा? तो मिथ्या का संबंध सत्य से होगा। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें कौन सी संख्या आएगी बताना है आपको। तो देखिए ये यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 2+4, उसके बाद में 40 × 2+4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 84 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों को दर्पण में समान प्रतिनिधित्व होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका आंसर है आपका सी। चलिए देखिए, मोहित अपने घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर जाता, तो देखिए पहले तो मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया,
तो 15 किलोमीटर इधर आ गया। उसके बाद में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो बाएं इसका इधर हो गया, 20 किलोमीटर चला। फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चल गया, यानी कि यहाँ से आगे 10 किलोमीटर निकल गया, तो 25 किलोमीटर चल गया। और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 20 किलोमीटर की फिर दूरी इसने तय कर ली। तो अब यहाँ से तो कितने किलोमीटर आ गया, अपने घर से 10 किलोमीटर रह गया ना, तो अपने घर से केवल 10 किलोमीटर रह गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीनों से भिन्न है। तो कौन सी संख्या अन्य तीनों से भिन्न है इसमें, तो इनमें देखिए इनको अलग अलग कर लेंगे। 9 + 4 को अलग करेंगे तो आ जाएगा 13, 10 + 8 + 5 को ऐड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 6 + 7 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, तो ये 13 ये अलग है, तो ये 4 ही आएगा, 1 + 3 आएगा 4, 1 + 3 आएगा 4। चलिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर विलंब से चली है और आगे को प्रत्येक किलोमीटर विलंब होती गई, तो बताइए कि रेलगाड़ी कितने मिनटों में पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो कितने मिनट, तो 1144 मिनट में पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। अब समसामयिक से देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, तो कहाँ से, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच। तो अभी देखना आपके जो भी ट्रेन चलाई गई हैं वो कहाँ से चलती हैं। तो डिफेंस एक्सपो आपको बताना है उस टाइम पर कहाँ हुए थे, तो ये करंट का क्वेश्चन था, अभी आपको देखना करंट का जो अभी चर्चा में रहा हुआ है। हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं करंट के, बाकी आपको जो भी न्यूज़ में रहा है वही देखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 118 बताना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। दूसरा, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है। तो ये आपको दोनों बातें ठीक हैं, बट हमें देखना करंट में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 119वां है कि अब जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक द्योतक सम्मान किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी स्वच्छता से संबंधित है। अभी कौन से शहरों को इसमें टॉप रैंकिंग दी गई है, कौन से को निचली रैंकिंग दी गई, तो हम करंट में वो डिस्कस कर चुके हैं, आज की क्लास में हमने वो अपलोड की हुई है वीडियो। तो देखिए संकल्प पर्व किससे संबंधित है, तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट है, 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था। तो अभी हमें पता होना चाहिए कब मनाया जाता सांख्यिकी दिवस, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो अभी हमें जो अभी की थीम थी इस साल की वो देखनी है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 122 के, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2022 में पद्मश्री मिला है। तो अभी हमें करंट में देखना है कि किसी को मिला के नहीं मिला है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। तो अभी हमें देखना है कि किन किन को मिला है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो करंट का क्वेश्चन है, ऐसा अवार्ड कोई भी दिया है तो हम उसको देखेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किए गए ऑपरेशन बनीला किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन बनीला था आपदा प्रबंधन से। बाकी जितने भी क्वेश्चन मतलब ऑपरेशन चले हैं इस बार हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी 2-3 दिन में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। अजय बैरियर किससे रिलेटेड है, भारत और यूनाइटेड किंगडम का ये अभ्यास है। नेक्स्ट है आपको ये देखिए, ये अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम पे जो था वही पूछा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित बजट पुराना बजट का पूछा, तो हमने नया बजट डिस्कस कर लेंगे। यूपी का केंद्रीय बजट तो हमने डिस्कस किया हुआ है, 200+ क्वेश्चन डाल चुके हैं हम, केंद्रीय बजट के नाम से वीडियो पड़ी हुई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची में 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी। तो उस टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्री थी, अब देखना कौन सी है। चलिए नेक्स्ट है, थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो करंट का क्वेश्चन था ये, तभी का देखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ लो अभी, ये इसमें 31वां है। देखिए लखनऊ में ये एक्सपो हुआ था, लास्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सपो जो भारत के उभरते हुए रक्षा केंद्रों में हुआ था, ये दोनों बातें सही थी, बट हमें अभी का देखना है कुछ ऐसा कहाँ पे कोई घटना घटी है। तो देखिए ये करंट का तब का क्वेश्चन है बजट का, अभी हम नहीं देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि देखिए अभी जी सी आई के नाम से देखिए GST है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, फिर इनकम टैक्स, सबसे ज़्यादा पैसे इनसे आते हैं, और पहले नंबर पर उधार, क्लियर है, उधार सबसे ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 133 है, इसमें कहा गया कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन परीक्षण संस्थान की स्थापना 1979 में की गई है। दूसरा है, CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। तो दोनों बातें इसमें से ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? बांग्ला उत्सव, बांग्ला उत्सव। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होगा? तो नीला होगा। अभी जो है सभी उर्वरकों को भारत टैग दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, 136वां, निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? तो रोजगार सृजन करना होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो प्रथम महीना आपने देखा होगा चैत्र का महीना प्रथम होता है, तो जो मार्च के टाइम पर आता है। चैत्र के बाद बैसाख आता है, ज्येष्ठ आता है, आषाढ़ आता है। ज्येष्ठ ये बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये सब आते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के संबंध में राज्य मनाया जाता है कहाँ पे? तो ये केरल, तमिलनाडु वगैरह में इनमें समय मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 140वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह पोर्टल देखिए करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम पर किसने बनाया था, कैसे बनाया था, तो अभी आपको ध्यान नहीं देना। तो आईआईटी मुंबई ने बनाया था, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था इसमें आईआईटी रुड़की, तो ये बात गलत है। अभी देखिए, अब आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, आरपीए इसकी स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको। तो पहली तो स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपको पहले पीवाईक्यू अच्छे से देख लेने जो हम करा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये काम करनी है, जब भी आप हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ें, हिस्ट्री आप आरओ के लिए पढ़ें, तो आपको डेट वाइज सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेट पे और सीक्वेंस में बहुत फोकस कर रहा है, यानी कि क्रम में लगाओ चीज़ों को, जो पहले हुआ था जो बाद में हुआ था, तो इन चीज़ों बहुत ज़्यादा फोकस करता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो इनके सबके नाम आपको आप 4 से 5 पेज में लिख कर उसको रट्टा मार लो। क्लियर है? जो घटनाचक्र में भी दिए आप घटनाचक्र से पढ़ सकते हो, बाकी हमने घटनाचक्र कराई हुई है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर घटनाचक्र देख सकते हो। बाकी हमने ये आपका स्पेक्ट्रम भी कराई हुई, स्पेक्ट्रम का भी एमसीक्यू देख सकते हो आप। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से ये आप रेस्पॉन्स कर रहे हो आरओ के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलिए ठीक है, बाय बाय।